आर्टफुल स्टिचेज में आपका स्वागत है। आज हम ये स्लिंग बैग बनाना सीखेंगे। तो इसमें मैंने एडजस्टेबल बेल्ट लगाई है, इस तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हैं। वेलक्रो के साथ ओपनिंग दी है और टू पॉकेट मैंने अंदर की साइड बनाई है और एक जीपर पॉकेट मैंने बाहर की साइड बनाई है, जो कि काफ़ी बड़ी है, आराम से फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले इसको सीधा सीधा काट लेंगे। अगर आपके पास कैप्रिन नहीं तो आप किसी भी फैब्रिक से, कपड़े से इसको बना सकते हैं आराम से। तो इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे स्केल की सहायता से, क्योंकि थोड़ी तिरछी रहती है इस पर सिलाई। इसको हम सीधा करेंगे, इस तरीके से लाइन खींचेंगे और इस पर सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेंगे। और इसके लिए मैंने टू रिंग लिए हैं बैग बनाने के लिए, और ये एडजस्टेबल बेल्ट के लिए लिया है, और 2 इंच का वेलक्रो का पीस लिया है, और 10 इंच की मैंने एक जिप ली है, और कुछ कपड़ों के टुकड़े लिए हैं, और एक बेल्ट के लिए मैंने रबड़ शीट की लंबी पट्टी ली है 50 इंच की, और 1 इंच चौड़ी है। 2 रबड़ शीट के पीस लिया मैंने 10 × 10 इंच, 10 इंच लंबे हैं और 10 इंच चौड़े हैं, और एक पीस लिया है मैंने फ्लैप के लिए 7 × 7 इंच। तो क्या करना है, इसको इस तरीके से गोल कर लेंगे। कोई भी गोल चीज़ रखकर इस पर गोल निशान लगा लेंगे, और जो हमारे 10 × 10 इंच वाले पीस है इसको इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर रखेंगे, जो भी आप फैब्रिक लेंगे, और काट लेंगे। इसी तरीके से लाइनिंग पीस भी काट लेंगे 2, और जो फ्लैप है उसके लिए भी लाइनिंग पीस काट लेंगे इस तरीके से। तो मैंने रबड़ सीट पर एक ये ट्रायंगल शेप का कपड़ा स्टिच कर लिया है, और अब हम इस पर जो कपड़ों के टुकड़े हैं वो लगाने शुरू करते हैं। ये 2 इंच मैंने चौड़ी चौड़ी पट्टी ली है, इस तरीके से सिलाई करेंगे और फोल्ड करके इस पर ऊपर टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। फिर दूसरी पट्टी लेंगे, इधर रखेंगे दूसरी तरफ, और इस पर भी सिलाई लगा लेंगे, और फिर इस तरीके से फोल्ड करेंगे, उसको सीधा कर लेंगे और टॉप स्टिच लगा लेंगे उस पर। तो इसी तरीके से हमें सारा करना है, ऐसी सिलाई लगानी है, फिर सिलाई लगा कर यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। एक बार एक साइड का सिलना है, एक बार दूसरी साइड का। तो इसी तरीके से हम पूरा तैयार कर लेंगे। तो मैंने पूरा तैयार कर लिया है, और इस पर डिज़ाइनिंग वाली थोड़ी स्टिचेस लगा दी हैं, तो एक्स्ट्रा पार्ट भी कट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो लाइनिंग पीस है इसको रखेंगे, और ये मेन पीस को, और दोनों को रखकर अटैच कर लेंगे, चारों तरफ इसके सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब करना क्या है कि एक मैंने पट्टी ली है 1.5 इंच चौड़ी है, और इससे इसके चारों तरफ पाइपिंग लगाएंगे। पहले एक बार सिलाई कर लेंगे इस तरीके से, और फिर जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लेंगे, छोटे छोटे नोचेस लगा देंगे कोने पे, और फिर इसको सीधा करेंगे, इस तरीके से पलट लेंगे बाहर की साइड, और इसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे हम इस तरह से, 1 फोल्ड 2 फोल्ड इस तरीके से रखेंगे, और चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। तो ये सिलाई मैंने लगा ली है, तो हमारा फ्लैप बनकर रेडी हो गया है। अब इसमें इस पर हम वेलक्रो अटैच करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, सेंटर पॉइंट ढूंढना है इस तरीके से फोल्ड करके, और सेंटर में इसको अटैच कर लेना है 2 इंच नीचे की तरफ इस तरीके से। तो अब क्या करना है, जो 10 × 10 इंच का वो लिया हमने पीस रबर शीट, उस पर 1.5 1/2 इंच का एक निशान लगाना है कोने पर इस तरीके से चौकोर, और उसको कट कर लेना है। ये मैंने कट कर लिया है। अब इसको हम मेन फैब्रिक पर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे, और फिर इसमें भी ये कोने काट लेंगे। इसी के साथ हम बेल्ट तैयार कर लेते हैं। ये बेल्ट के लिए मैंने पट्टी ली है, ये मैंने बीच बीच में जोड़ दे दिए हैं, क्योंकि इतनी लंबी पट्टी तो थी नहीं मेरे पास 50 इंच की। तो इस तरीके से रबड़ शीट रखेंगे इसके अंदर, और इस तरीके से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। अगर आपके पास रबड़ शीट है कोई बात नहीं, इसको आप डायरेक्ट भी सिल सकते हैं। अब ये मैंने इसके चारों तरफ भी सिलाई लगा ली है। अब करना क्या है कि 2 इंच नीचे, 2 इंच नीचे एक निशान लगाना है इस तरीके से, और उसको सीधा मिला लेना है
सीधा मिलाकर काट लेंगे हम उसको, अलग कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इस पर जिप रखना है और हम ना इसके आउटर पॉकेट तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक लाइनिंग का पीस लिया है, इसकी लंबाई चौड़ाई 10x14 इंच है। तो इस तरीके से रखेंगे 10 इंच वाला पीस और सिलाई लगा लेंगे। इसी के साथ मैंने बेल्ट भी तैयार कर ली है और जो ये अंदर के लिए लाइनिंग पीस है इसके लिए भी हम एक पॉकेट तैयार करेंगे। मैंने 6x6 इंच का वो लिया है कपड़ा पॉकेट के लिए, और इसको भी इस तरीके से रख के इस पर सिलाई लगा लेंगे, थोड़ी जगह खुली छोड़ देंगे जिससे इसको सीधा करेंगे। तो हमारी आउटर और इनर पॉकेट दोनों साथ साथ रेडी हो रही है। तो इस पर हम ये मैंने सिलाई लगा ली, तो इस पर टॉप स्टिच भी लगा लेंगे आउटर पॉकेट पर, और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, नीचे की तरफ रखेंगे। और करना क्या, जो ऊपर वाला पार्ट है ना इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे इस तरीके से, और इस पर सिलाई लगा लेंगे, सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे हम। इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। अब इसको एक तरफ रखते हैं, अब हम इनर पॉकेट देखते हैं, वो मैंने सिलाई लगा ली थी। अब इसको हम सीधा कर लेंगे, जो जगह खुली छोड़ी थी ना उसे सीधा कर लेते हैं। तो ये मैंने सीधा कर लिया है, अब जहाँ से इसको सीधा किया वहाँ पर भी मैं सिलाई लगा लूँगी, और ये भी मैंने सिलाई लगा ली है। तो इसको सीधा करके टॉप स्टिच भी लगा लेंगे, और जो इसका दूसरा पार्ट है उस पर उसको इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर, और सिलाई लगा लेंगे, और नीचे की तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो और जो अंदर वाली पॉकेट है उसको भी अटैच कर लेते हैं। इसको लाइनिंग पीस पर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, और इसका दूसरा पीस भी रख कर साइड से सिलाई लगा लेंगे। नीचे की तरफ थोड़ा खुला रख देंगे जिससे कि सीधा कर सके। अब करना क्या है कि ये मेन फैब्रिक पे मैंने सिलाई लगा ली, अब इसको कोने इस तरीके से पकड़ कर सिल लेने हैं। ये दोनों कोने सिल लेंगे इसी तरीके से, लाइनिंग पीस के भी दोनों कोने अटैच करेंगे। ये मैंने 2x2 इंच की पट्टी ली है, इसमें हम रिंग डालकर ऐसे सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं, अब इसको हम सीधा कर लेंगे। तो सीधा होके इस तरीके से दिखेगा। अब हम इस पर फ्लैप अटैच करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर ये रिंग अटैच कर लेंगे साइड में, इन पर सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। और जैसे ही हमारे अटैच हो जाए तो हमें क्या करना है कि जो हमने लाइनिंग पीस तैयार किया है उसको इस तरीके से उल्टा रखेंगे, और उसके अंदर की तरफ इसको डालेंगे। ये पॉकेट अंदर की तरफ होगी, और इस मेन वाले पीस को ऐसे फोल्ड करके इसके अंदर डाल लेंगे। इस तरीके से डाल लेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे, क्लिप्स लगा लेंगे चारों तरफ, और इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब करना क्या है कि नीचे की तरफ से जो खुला पार्ट छोड़ा था वहाँ से इसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने इसको सीधा कर लिया है, और जो जिस जगह से सीधा किया था उस पर भी एक सिलाई लगा लेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब इसको अंदर की तरफ डाल लेंगे हम इस तरीके से, अच्छे से सेट करके, और यहाँ बाहर की तरफ भी सिलाई लगा लेंगे एक एक, जिससे कि ये बैठ जाएगा अच्छे से। तो अब हमें बस इसमें बेल्ट अटैच करनी रह गई है। हमारा बैग रेडी हो गया, साथ में वेलक्रो भी अटैच कर लेंगे। उसका हमने एक पार्ट तो अटैच किया है, उसका लॉक बचा हुआ है। तो उसको इस तरीके से रख के निशान लगा लेंगे, जहाँ पे पहले वाला वेलक्रो है ना उसके सेम सामने निशान लगाएंगे, और उसको रख कर अटैच कर लेंगे इस तरीके से। और अब हम बेल्ट में अटैच करेंगे कुंडे, इस तरीके से डालेंगे और अंदर की तरफ खींच लेंगे इसे ऐसे। अब इसको जो डीरिंग है उसमें डालेंगे, बाहर की साइड से डालेंगे क्योंकि बाहर से सीधा दिखेगा अंदर की तरफ। इस तरीके से
और यहाँ पर लाकर इसको लूज करेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे, अंदर की तरफ डाल लेंगे। आप किसी बैग, आपके घर में जो बैग रखा हो उसमें भी देख सकते हैं किस तरीके से डला है, उसे देखकर भी डाल सकते हैं आसानी से। इस तरीके से नीचे से निकाल के फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। अगर नहीं सिलाई ना मशीन से नहीं लगा पा रहे हैं तो आप सुई धागे की सहायता से इसमें सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड सिलाई लगा लेंगे निकाल के, इस तरीके से रिंग में निकाल के बेल्ट को फोल्ड कर लेंगे। तो ये सिलाई मैंने लगा ली है और बेल्ट हमारी तैयार हो गई है। अगर आपके पास इस तरह के रिंग्स नहीं हैं तो आप सीधा सीधा भी इसको बेल्ट को लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी फैब्रिक के साथ इसको बना सकते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।